पाई हुए अच्छा आ गया मैं टोक्यो ड्रिफ्ट तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो वैसे भी हम ईद के कपड़े पहन के तैयार हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। और ये हमारा जानवर बाहर खड़ा हुआ है, ये देखें। और क्या नाम है अपना, अभी ईद की नमाज़ पढ़ने हम लोग जा रहे हैं, बस 20 से 25 मिनट हैं और आखिरी मुलाकात है। क्या करें, बहुत बहुत दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है यार, कट रहा है, लेकिन करना तो है अपने को। और भाई ये तैयार हो गया, देखा क्या बोलोगे यार, जानवर कट रहे, आप आखिरी दिन है अब हम लोग का भी, बहुत अफसोस हो रहा है। और अभी हम लोग थोड़े पीछे गली पे देखने जा रहे हैं, शायद वहाँ पर कुछ जानवर कट रहे होते हैं ना इस टाइम पे, तो चलें देखते हैं चल के। मास्क पढ़ने के बाद, हाँ अभी नहीं। सो राइट, तो अभी क्या नाम है, ईद की नमाज़ का टाइम होने वाला है, 6 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं क्या नाम है अपना मस्जिद की तरफ। तो अभी नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। और ये कज़न है, ये कज़न है, और वो आगे चल रहा है और वो अपनी मस्ती में मस्त चल रहा है, तो चलें चल के मिलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए नमाज़ पढ़ के और यहाँ पर गिराने ये गाय को, अभी हमारी गाय भी कटने वाली है। और कैसा लग रहा है आपको? तो भाई अभी हम लोग को दुख हो रहा है कि इस टाइम क्यों, अगर कल गिरी आती तो ज़्यादा बेहतर होता। तो देखें आप, तो अभी ये गिर रही है, तो क्या बोलते हैं, तो भाई कैसा लग रहा है तुम्हारे को? अफसोस हो रहा, अफसोस हो रहा भाई, बहुत दिनों, कितने दिनों से रखा हुआ था? 7 दिन। आ गए भाई, अभी हमारा जानवर गिर रहा है भाई, जानवर गिर रहा है, जा रहे हो? तो देख सकते हैं जानवर है माशाल्लाह से, अभी गिरने वाला है, क्या करें। तो बहुत अफसोस हो रहा है उसका, मोरा उतार रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, मिठाई विठाई खिला दी है इसको, नहीं तुम गए थे। तो अभी ये आसान आ चुका है, तो अभी ये शायद ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं, और ये सारे कज़न है। तो भाई अभी ब्लॉग में स्टार्ट करो, तो तुम्हें कैसा लग रहा है जो गाय के लिए? बहुत हो रहा है, लेकिन एक बड़ी से आसान करना होगा, अंदरूनी तो खुशी है लेकिन दिल उदास हो रहा है। अच्छा, तो चलें ब्लॉग सब कुछ करो। भाई साहब अभी हमारा जानवर गिरने वाला है, तो जानवर गिर रहे हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के साथ, तो बड़ा अफसोस भी होता है। तो गिरने गिरते तक आपको दिखाएंगे, उसके बाद उसका तो आपको पता है कि यूट्यूब की तरफ से वो पड़ जाता है कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ जाती है, इसके वायलेशन पड़ी ये मुझे थोड़े पर साथी का सही लग रहा है, क्योंकि एक बंदे को इतने सारे काट रहे हैं। वैसे मैंने देखा था कि मरीज में भी देख गया हूँ कि एक बंदा एक जान में गिरा के दूसरा आगे सर, हाँ बगैर रस्सी के, और वो दूसरा सल्ला फेर के जा रहा है बाकायदा। तो अभी देखते हैं कैसे गिरा रहा। तो अभी ये कट रहा है हमारा जानवर, बहुत अफसोस के साथ बोलना चाहते हैं। तो अगर कोई सीन हो जाए लत्ती वत्ती वाला तो मजा ही आ जाए। तो हाथ छोड़े जाना।
फोन निकल गया अब यहाँ पे गया स्लिप आज हम लोग बहुत थक गए थे तो अब इस ब्लॉग को कर लेते हैं एंड क्योंकि हमने ब्लॉग इतना बनाया भी नहीं और मैं अभी सो के उठा हूँ आपको आधा से पता ही चल रहा होगा। और एक गाय थी जो हमारे बराबर में इकट्ठी थी कसाई ने अनाड़ी कसाई थे बरसाती कसाई थे जिनने गिराते गिराते गाय की एक टांग तोड़ दी थी उसके नाक से खून निकाल लिया था और आगे का आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की तरह से वायलेशन पड़ गया था। जो गले में छुरी चला रहे थे वो भी नहीं चल रही थी उनसे जानवरों को इतना अजियत दे के उसने गिराया था ना यकीन मानो दिल तो चाह रहा था उन कसाइयों को पकड़ के मार रहे सही है। तो अब हमारी भी गाय कट गई तो पता तुम लोगों को प्लीज में तो सब थके बोलते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय।